अंडरस्टैंडिंग है, उनका लर्निंग प्रोसेस कहाँ पहुंचा है, उनको समझ में आया है कि नहीं, उसके लिए असेस करना चाहिए। अच्छा, अभी ये सबने बहुत ही परफेक्ट और सही आंसर दिए हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर हम अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड हमको करना पड़ेगा असेसमेंट, कि हमको पता चले कि हमने अगर इम्प्लीमेंट किया है तो वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, लर्निंग प्लेस ले रहा है या नहीं ले रहा है। मैम ने एक आंसर दिया, अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज आस्किंग सम क्वेश्चंस। ओके, हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर उनसे क्वेश्चंस पूछ के भी असेस कर सकते हैं। ओके, ये आ जाएगा इसमें कि हम असेस कैसे करते हैं। अभी मुझे एक बहुत ही ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए सभी टीचर्स के पास से, कि हम कैसे असेस करते हैं बच्चों को। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो हम कैसे असेस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हम रियल में क्लासरूम में करते हैं या अभी ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है तो उसमें करते हैं, एनीथिंग। रिटर्न टेस्ट लेते हैं मैम उनका, और फिर ओरल लेते हैं। ओके, रिटर्न टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं। अभी ओरल टेस्ट में मैम आप उनको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पूछते हैं या फिर बेस्ड ऑन वन और टू सेंटेंसेस आंसर होते हैं, मुझे जरा जानना है। बेस्ड ऑन वन और टू सेंटेंस मैम, मोस्टली वन सेंटेंस। ओके ओके, कि जो भी बच्चे हैं उनको स्किल उनका डेवलप हुआ या नहीं, उनका नॉलेज हुआ या नहीं डेवलप, या फिर वो आज का टाइम बहुत ही कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, आगे जाके उनको आगे अपना फ्यूचर बनाना है तो वो उसमें कैसे एबल बनेंगे, उसके लिए भी हम असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट से एक और चीज हमको पता चलती है, जो भी बच्चे हैं ना उनका स्ट्रेंथ हमें पता चलता है, कि मान लो कोई बच्चे हैं उनका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कोई एक सब्जेक्ट वीक है, या फिर उनका ओरल अच्छा है, रिटन वीक है, उनको मे बी लिखना पसंद नहीं है, तो ये सारी जो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, कोई किसी के हैंडराइटिंग खराब होते हैं, है ना, और हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जाम में अगर हैंडराइटिंग खराब हो जाए तो मार्क कट कर दिए जाते हैं। तो एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग एग्जाम्स को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उसमें क्लीनलीनेस है, उनकी हैंडराइटिंग कैसे है, उन्होंने कितना 10 मार्क का क्वेश्चंस है अगर तो उसमें कितना आंसर लिखा है, ये सारी चीजों को हम ध्यान में लेते हैं, तो ऐसे हमको बच्चों का स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलता है। अभी ये तो ठीक है, चलो हम स्टूडेंट का प्रोग्रेस मेजर करने के लिए करते हैं, बट वी टेंड टू यूज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके अलावा हम और कुछ यूज कर सकते हैं ओरल या रिटन टेस्ट में? जो आपने जवाब दिया वही है कि हमको कैसे असेस करना है बच्चों को, हम कैसे करते हैं, तो उसमें मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं और शॉर्ट आंसर होते हैं। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? हेलो मैम। हाँ, यस मैम। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यू के अलावा सीधे रिलेशन टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साइंस में हम मैच करते हैं या नहीं, मैच नहीं। मान लो दे दिया गया मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन का रिलेशन से, है ना, एक सीड दे दिया गया मोनोकोटिलेडन है तो दूसरा सीड का नाम दिया गया है अनडैश दिया रहेगा, वो क्या है आपको लिखना है। ओके, उनके बीच का रिलेशन या फिर कॉमन फीचर्स है वो लिखना होता है। हाँ हाँ, ओके वो भी हो सकता है। दूसरा आता है, हाँ, आपके क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एवरेज, मतलब तो अभी असेसमेंट इज अ हमें प्रोग्रेस ट्रैक करना है बच्चों का, प्लानिंग करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो वो सारी चीजें असेसमेंट है। हम किसी गार्डन में जाते हैं और हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ येलो है, कुछ व्हाइट है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फ्लावर्स को देखते हैं, है ना, हम ऐसा नहीं बोलते ना कि ये रेड कलर का फ्लावर है ना वो दूसरे रेड कलर के फ्लावर से अच्छा लग रहा है, ये जो येलो कलर का फ्लावर है ना उससे अच्छा वो येलो कलर का फ्लावर है, हम कभी कंपैरिजन नहीं करते। जब हम गार्डन में फूल देखते हैं हमको बस देखते हैं और खुश होते हैं,
तो बच्चे भी वो फ्लावर की तरह है, या फिर करती थी तब की बात कर रही हूँ, अभी मुझे रियलाइजेशन हो रहा है इसलिए कि हमारे टाइम पे क्या था कि हम जब पढ़ते थे ना तो नवनीत की गाइड आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट की गाइड आती है अलग अलग, इंग्लिश मैथ साइंस सब की। तो जो भी लोग टेंथ की बोर्ड की एग्जाम देते थे तो उनमें से कुछ बच्चे ट्यूशंस में भी जाते थे मेरे फ्रेंड्स, तो उनका कैसा था कि उनके टीचर ने उनको बोल के रखा था कि आपको नवनीत की गाइड ही फॉलो करना है या फिर आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही फॉलो करना है। तो डिटो टू डिटो जो भी टेक्स्ट बुक में या नवनीत के गाइड में लिखा है वही एग्जाम में लिखना है, ऐसा प्रेशर उनको दिया जाता था। मुझे याद है ट्यूशन क्लासेस में या फिर क्लासरूम में कि नवनीत की गाइड है उसमें जो आंसर लिखा है वही आपको लिखना है, तो ही आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। या ट्यूशंस में भी ऐसा सिखाया जाता है कि यही आईएमपी है यही आपको करना है। फिर बच्चे क्या करते हैं, उनको आपने आईएमपी दे दिया मतलब वो लोग रोटे लर्निंग करेंगे, उसको मेमोराइज करने की ट्राई करेंगे, और मेमोराइज करना मतलब कुछ टाइम के बाद हम वो भूल जाएंगे डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तब भूल जाते हैं क्योंकि मे बी उन्होंने उसको समझा नहीं पर उसको सिर्फ याद किया है, उसको सिर्फ मेमोराइज किया है। जैसे कि आगे हमने एक्टिविटी की मेमोरी गेम की, तो बहुत सारी चीजें हमने 15 सेकंड में देखी पर बाद में हम हमारे माइंड से निकल जाएगा। अब यही पिक्चर के बारे में आपको 2-3 दिन बाद में क्वेश्चन पूछूंगी तो मे बी आपको नहीं पता होगा कि उसमें क्या था पिक्चर में, क्योंकि ये तो हमने मेमोराइज किया था, हमने अंडरस्टैंड नहीं किया था, है ना। तो ऐसा होता था और मे बी आज भी कहीं पे होता होगा। तो असेसमेंट क्या है, नॉट ओनली एग्जामिनेशन, ये हमें याद रखना है, हम कैसे बच्चे के अंदर लर्निंग इम्प्रूव कर सके, उनका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सके, ये असेसमेंट है। और हमको कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी है कि जैसे मैंने कहा कि गार्डन में अलग अलग फूल होते हैं तो हम उनको कंपेयर नहीं करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा ब्राइट है कौन सा नॉट सो ब्राइट है, या कोई भी है ना। तो ये असेसमेंट है। अभी असेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं जो आप लोग टाइप में भी आपको थियोरिकली नहीं मालूम होगा पर आप करते हैं ऑलरेडी, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। तो अभी किसने सुना है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इफ एनीवन नो मैम? हाँ तो आप बताएंगे मुझे क्या है फॉर्मेटिव और समेटिव? फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 असेसमेंट होते थे मैम, फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2, और समेटिव में फिर ये फॉर्मेटिव और जो दोनों फॉर्मेटिव असेसमेंट होते थे ना दोनों को फिर सारे लेसन्स लेके और उसमें से कुछ दो लेसन एक या दो लेसन ओरल में रखते थे और बाकी फिर रिटन में उसी का टेस्ट बनाते थे। ओके और कोई? आपको सिर्फ उसका वर्ड नहीं मालूम है, अदरवाइज हम मीनिंग उसका क्लियर करूं मैं? अभी बच्चे का जो भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें ही हम बच्चे को बीच में असेस करें, जैसे कि अभी आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो उनको, एयर वाटर या कोई भी, या फिर आप मान लो आपने एलजिब्रा पढ़ा रहे हो मैथ्स में, तो अभी आपने पूरा जो प्रोसेस चैप्टर का चल रहा है उसपे ही हम बच्चों को बीच में असेस करते जाए, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द लेसन, सॉरी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर हम जो एग्जाम्स लेते हैं वो सारा आता है समेटिव असेसमेंट, है ना। तो सीवा मैम वाला है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो चेक करके दिया उन्होंने। तो ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब सिर्फ एग्जाम ही हमारा एंड गोल नहीं है असेसमेंट करने का, समेटिव में आएगा वो पर वो हमारा एंड गोल नहीं है। बच्चे जो भी सीख रहे हैं जो भी उनका प्रोसेस हो रहा है वहां पे हम उनको कैसे असेस करें ये हम जब करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। डे टू डे क्लासेस में या फिर विद इन 1 वीक और नॉट ओनली ऑन बेसिस ऑफ वीकली टेस्ट, है ना। उसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स आएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो है और समेटिव असेसमेंट इज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द यूनिट और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर हम जो बच्चों को असेस करते हैं वो आएगा समेटिव असेसमेंट। क्लियर अभी सबको कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या है? और ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना। हमने कंपेरिजन की है पर इसका मतलब ये नहीं है कि राइट और रॉन्ग है, एग्जाम लेना भी इम्पोर्टेंट है और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों असेसमेंट इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे पूरे जो भी साल का हमारा शेड्यूल है इसमें हमको
ये करना है। अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि जो भी डे टू डे लर्निंग हो रही है बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है तो हम वहीं पे उनको असेस करके उनको फिर से एक्सप्लेन करें तो वो हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि हमने एलजिब्रा का सम एक्सप्लेन किया फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के जो भी टीचर है उन्होंने, अभी उनको स्टेप समझ में नहीं आए बच्चों को, तो हमको पता चल गया कि उनको क्लियर नहीं हुआ है, उनको आपने होमवर्क में दिया और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट और हम उसको फिर करेक्ट कर देंगे और उनको फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो ये आएगा फॉर्मेटिव, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन हम ऑनलाइन क्लासेस में भी आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। समेटिव, जो फाइनल जजमेंट हमें स्टूडेंट्स के बारे में चाहिए वो इसमें मिलेगा एट द एंड ऑफ द कोर्स या फिर प्रोजेक्टर या फिर सेमेस्टर, जो भी हमारी सिस्टम है, जो भी हम टेस्ट लेते हैं, ये ज्यादा फॉर्मल वे है, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट है नॉट सो फॉर्मल, इनफॉर्मल वे है। वो तो कंपल्सरी होता है तो हम करते हैं, बट अदरवाइज हम लोग फॉर्मेटिव वे से भी बच्चों को असेस कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे आगे हम टूल्स देखने वाले हैं, पर उससे पहले हमको जानना है कि यहाँ पे थ्री मोड्स ऑफ असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। हम क्या देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज या मे बी हमारा मिसकंसेप्शन है कि असेसमेंट सिर्फ बच्चों का नॉलेज चेक करने के लिए या फिर उनका लर्निंग प्रोसेस जो है उसको चेक करने के लिए होता है, पर यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग, वो ये कहता है कि बच्चों को हम मोटिवेट भी कर सकते हैं असेस करके। अभी बच्चा कहाँ है, उसको हमको कहाँ पे लेके जाना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस है पूरा उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, उसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि ये लर्निंग इसमें इम्पोर्टेंट है, ना कि मार्क्स या फिर एग्जाम या फिर टेस्ट, हमको बच्चे का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जज करना है, तो उसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, एक है ऑब्जर्वेशन, कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा बच्चा हमारे जो भी बच्चे हैं उसमें से कौन सा बच्चा ब्राइट है, उसको क्या नहीं आता है, वो कहाँ पे स्ट्रेंथ है उसकी, कहाँ पे उसकी वीकनेसेस है। तो जैसे अभी पूजा मैम ने एग्जांपल दिया, वैसे अगर वो स्पोर्ट्स में आ गए तो हम उसको ये बता सकते हैं कि भाई आपको कॉलेज तक तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी आगे जाना चाहते हो, तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तो होना ही चाहिए, अगर मान लो आप आगे नहीं बढ़े तो वैसे हम उनको कैसे प्लान करें, उनको कैसे बताएं कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो करने के लिए हमको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना पड़ेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे, बच्चों से बातचीत करके करेंगे, उनसे उनको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या कविता मैम ने जैसे आपको कल सिखाया है उनको क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना ऑनगोइंग, कि बच्चे का नॉलेज कितना है, हमको कितना इम्प्रूव करना है एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द लेसन या टॉपिक, और बाद में आगे का हमको प्लान करना है। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्लियर ऑफ लर्निंग। तो ये समेटिव असेसमेंट है, हम जो एट द एंड ऑफ द टर्म सेमेस्टर जो भी एग्जाम्स लेते हैं उसमें भी हम थोड़ा क्रिएटिव यूज कर सकते हैं कुछ भी, अगर हम ओरल और रिटन टेस्ट ले रहे हैं उसकी जगह पे हमने चलो एक क्विक सरप्राइज क्विज बना दिया, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अभी बनता है तो हम क्विज से कर सकते हैं, जैसे अभी किसी ने बोला था आगे की ट्रू और फॉल्स से कर सकते हैं, अग्री डिसअग्री ये कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ अग्री या डिसअग्री, आपने कोई कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मान लो आपने कोई साइंस का टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिख दिया, अभी आप उनको पूछो अग्री या डिसअग्री, तो वो बच्चे का हमको पता चल जाएगा कि उसका अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर हो गया है। तो ये आएगा समेटिव असेसमेंट, एग्जाम और टेस्ट जो भी हम लेते हैं अदर देन जो भी उनकी एनुअल एग्जाम होती है या फिर बोर्ड की एग्जाम होती है, उसके अलावा हम जो स्कूल में टेस्ट लेते हैं उसमें भी हम इनोवेटिव बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और ये हमें याद में रखना है कि असेसमेंट पनिशमेंट के लिए नहीं है, इवन होमवर्क भी पनिशमेंट के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि जब होमवर्क इन्वेंट किया गया था तो एक्चुअली उसको पनिशमेंट के लिए किया गया था,
पर होमवर्क रिविजन पर्पस के लिए है और होमवर्क असेसमेंट के लिए है। तो हमको बच्चों को अगर उनका कम स्कोर है तो उनको हम डेफिनेटली कोई पनिश नहीं करता है, पर हमको उनको जज भी नहीं करना है। तो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, और उसमें भी हम क्रिएटिव बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे कि ख्याति मैम ने बताया था KWL चार्ट, उनको कितना समझ में आया, उतना उनको कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये भी हम उनसे करवा सकते हैं। ये भी फाइनली एग्जाम में एक हम अपना एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो उसमें भी हम बहुत सारे क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट एज लर्निंग, जो मैंने बोला कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, उनको कैसे एनकरेज करें, तो उसके लिए ये असेसमेंट है। इसमें मेनली आएगा कि बच्चे खुद अपना असेसमेंट करें। तो आपको क्या लगता है, बच्चे खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं? टीचर का रोल आएगा बट उनका गाइड का रोल आएगा, जैसे मैंने फैसिलिटेशन में बात की थी वैसे कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे बच्चे? आगे भी आपने बहुत सारे आइडियाज दिए थे कोई सेशन में, मुझे याद नहीं है, पर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे आपसे जानना है कैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप अपना खुद का असेसमेंट भी कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट। हेलो मैम। यस मैम, यस पूजा मैम। बच्चों को जैसे दो ग्रुप में बांट दिया गया और दो ग्रुप को बोला गया है कि जो वन पेज या टू पेज या थ्री पेज इतना भी पढ़ाया गया उसमें से तुम लोग अपना अपना क्वेश्चन निकालो। दोनों ग्रुप अपना अपना क्वेश्चन निकालेंगे, फिर एक दूसरे का क्वेश्चन को दोनों के बीच में इंटरचेंज करना है, मतलब खुद का क्वेश्चन खुद को सॉल्व नहीं करना है, वो दूसरों को देना है। okay. तो उसमें ये और ये बोला जाएगा कि तुम्हें दूसरे टीम के लिए ऐसा क्वेश्चन सेटअप करना पड़ेगा ताकि उनको वो डिफिकल्ट लगे। तो उस चक्कर में बोलो क्या करेंगे, एक बार उसके रीडिंग जरूर करेंगे कि क्या पढ़ना है, और रीडिंग भी होगा साथ में, उनका नॉलेज गेनिंग भी होगा साथ में, उनको जो बच्चे कुछ टॉपिक नहीं पढ़ पाए थे वो क्वेश्चन आंसर के वजह से वो याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था और मैंने गलत आंसर दिया था, वो शायद उनको जिंदगी भर के लिए याद रहे। यस यस, वो उनको याद रहेगा और वो उसको इम्प्रूव करने का भी ट्राई करेंगे, यानी कि वो खुद मोटिवेट हो गए अभी अपना खुद से असेसमेंट करके। हमने एज अ टीचर कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनको एक ऐसा एनवायरमेंट दे दिया है जहाँ पे वो खुद कुछ करे। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपने बहुत अच्छा और कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, जैसे किसी टॉपिक दे दिया सेमिनार के लिए, एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप में 5 स्टूडेंट मान ले हैं, तो एक बच्चे को दे दिया सेमिनार का प्रिपरेशन के लिए, मतलब वो सिर्फ बोलेगा, दूसरा बच्चे को दे दिया उसका चार्ट बनाने के लिए, तीसरा बच्चे को दे दिया गया उसके बाकी जो 3 बच्चे हैं उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, एटलीस्ट तीनों के पास 5-5 क्वेश्चन होने चाहिए उस टॉपिक के ऊपर। वेरी ट्रू, वेरी गुड मैम। और इसमें एक दूसरा हमारा टॉपिक भी टेकल हो जाता है, वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना? जिसका जिसका ड्राइंग अच्छा है, जो विजुअली इंटेलिजेंट है वो ड्राइंग करेगा, जिसका वर्बल अच्छा है वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ऐसे ही मतलब हम जो लिखते हैं। और किसी का मान लो हमने कोई म्यूजिक रिलेटेड टास्क दे दिया या आपने जैसे बोला वो टास्क दे दिया, तो यहाँ पे तीनों इंटेलिजेंस भी उनके कवर हो और रहे। बच्चे ही बच्चों से पढ़ भी लेंगे, अगर टीचर से उनको कुछ डर भी रहता है, हेजिटेशन भी रहती है कि हम नहीं पूछ सकते हैं, तो वो बच्चों से बच्चे खुद ही पूछ के क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। वहाँ पे हम रहेंगे, अगर हमको कहीं पे लगा कि ये सही कॉन्सेप्ट नहीं बोल पा रहे हैं तो हम उनको क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, तो इसमें पीयर टू पीयर लर्निंग भी आ जाएगा। जैसे आगे ही किसी मैम ने आई थिंक एग्जाम्पल दिया था कि कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, बाकी के थोड़े स्टूडेंट है जिनको थोड़ा स्ट्रगलिंग हो रहा है कोई सब्जेक्ट में, तो वो बच्चा उनका ग्रुप बना देंगे और वो बच्चा उनको सिखाएगा। तो क्या है, उनका खुद का असेसमेंट वो खुद कर रहे हैं और वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं, हमें एज अ टीचर उनको सिर्फ गाइड करना है यहाँ पे। वेरी गुड एग्जाम्पल पूछा मैम, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा भी हम कर सकते हैं ये कि हम समरी शीट बना सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं कि चलो आप समरी शीट बनाओ, आपने जो भी टॉपिक आगे किसी ने बोला भी था आई थिंक कोई टीचर ने कि समरी भी हम लिख सकते हैं, आई थिंक इसी वीक कोई सेशन में मैम ने बोला था कि समरी लिखा सकते हैं,
तो बच्चे को खुद पता चलेगा कि मुझे टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ या नहीं। कई बार बच्चों को खुद को रियलाइजेशन नहीं होता है कि उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो उसको क्वेश्चन करना है या फिर उसको पूछना है, वो लोग टालते रहते हैं वो, चलो टॉपिक नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे या फिर मेमोराइज कर लेंगे, तो ऐसा लगता है। तो उस टाइम पे अगर हम ऐसा करेंगे ना तो उनको फिर रियलाइजेशन होगा कि अरे मुझे तो ये नहीं आता है तो मुझे इसको सीखना पड़ेगा, तो वो उनका थोड़ा बिलोंगिंगनेस आता है, वो खुद मोटिवेट होते हैं, वो खुद एनकरेज होते हैं। तो असेसमेंट एनकरेज करने के लिए और मोटिवेशन के लिए भी होता है, ना कि सिर्फ हम बच्चों को चेक करें या फिर उनका एग्जाम लें। अभी दूसरा हम ये भी करवा सकते हैं कि आगे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मेनली एग्जाम में काम आएगा। ऐसे मान लो एक कोई शीट बनाना है बच्चों को, खुद को बनाना है, टीचर को नहीं बनाना है, आप ऐसा सजेशन उनको दे सकते हैं। ये एक टेक्निक है, स्टडी सिग्नल टेक्निक। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं साइड पे, और मैथ्स इंग्लिश साइंस एसएस हिंदी आपका जो भी टॉपिक है, मान लो उसमें 8 या 10 चैप्टर्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 8 दिए गए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेड ऑरेंज एंड ग्रीन है ना। तो अभी इसमें स्टडी सिग्नल टेक्निक है, बच्चों को आप ऐसी टेक्निक बता सकते हैं कि मान लो रेड कौन किसके लिए है, रेड इसके लिए है कि ऐसा टॉपिक जो बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं हुआ या उसने रीड ही नहीं किया, तो उसके लिए वो रेड मार्क करेंगे स्केच पेन से। ऑरेंज है तो उनको थोड़ा स्केच पेन से, और फिर ग्रीन है तो ग्रीन कौन से चैप्टर्स के लिए है कि जिसमें उनको सब कुछ समझ में आ गया है और उनको अंडरस्टैंड हो गया है, वो रीड करेंगे तो उनको इजीली वो आ जाएगा एग्जाम में या फिर किसी भी चीज के लिए। तो ऐसा कोई हम उनको बनाने के लिए बोल सकते हैं कि आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप अपना खुद का बनाओ ऐसे, और आप टीचर से फिर जब भी टाइम मिलता है, रिमीडियल क्लासेस आपके हो या फिर और कोई टाइम हो, वहां पे वो आपसे आके पूछ सके। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं चैप्टर वाइज। और मान लो कोई चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया तो फिर उसको रॉन्ग कर देंगे, मतलब उसको निकाल देंगे हम कि ये अभी उनका अंडरस्टैंडिंग हो गया है इस चैप्टर में, तो ऐसा भी कर सकते हैं। पर ये मेनली टेक्निक एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं बच्चे, जो पूरा ईयर उनको सारे चैप्टर का रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर क्लियर करना है तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो ये भी आप बच्चों को बता सकते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, इससे उनका खुद का असेसमेंट वो खुद कर पाएंगे। और एज अ टीचर हमारे पास जो बहुत सारा काम होता है या फिर और भी हमको चीजें करनी होती है, और मे बी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे हमारा थोड़ा कम टाइम जा रहा है उसमें, तो हम ऐसा चीज कर सकते हैं जिससे बच्चे खुद अपना असेसमेंट खुद करें। उनका ग्रुप बना सकते हैं, कोई टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके आप दो ग्रुप बनाओ, फिर उन दो ग्रुप्स को मर्ज कर दो, अभी 4 हो गए उनको मर्ज कर दो, 8 हो गए, ऐसे कर करके पूरा एक क्लास का पूरा एक डिस्कशन रख सकते हैं हम। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करवा सकते हैं, और आपके पास भी आई थिंक बहुत सारे आइडियाज होंगे, तो आपके दिमाग में जब भी आइडिया आए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आज शेयर करना है ना, कि अगर हमको बच्चों को असेसमेंट के थ्रू मोटिवेट करना है तो हम क्या करवा सकते हैं जिससे वो खुद सीखे और खुद अपना असेसमेंट करे, उनको मे बी टीचर की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, टीचर का सिर्फ वहां पे रोल एज अ गाइड का। क्लियर है सबको आई थिंक? यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। ओके ओके, सो आई थिंक वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे असेसमेंट टूल्स है, जो चैट जो हमारे स्टैंडर्डाइज है, क्लासरूम टेस्ट, एग्जामिनेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, वो तो सब है ही, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो एक है ऑब्जर्वेशन, हमारे बच्चों का ऑब्जर्वेशन हमें करते रहना है। मान लो कभी कभी क्या होता है, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी कहीं पे अपना अगर फोकस उनका थोड़ा हिल जाता है कहीं से, तो वो फिर धीरे धीरे उनके मार्क्स भी कम होने लगते हैं, ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होते हैं पर उनका फिर धीमे धीमे परसेंटेज या फिर उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो वीक होता जा रहा है, ऐसा होता है आपके क्लास में? मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज आते थे पर धीरे धीरे उसका वो कम हो गया। यस मैम, और ज्यादातर ये टीनेजर्स से स्टार्ट होता है। यस, आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। हां, 8 टू
ट्वेल्थ, यहाँ इसके बीच में ज्यादातर आते हैं। तो उनका ध्यान कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनका फोकस स्टडी के हिल जाता है, तो वो फिर उनका कम होता जाता है। तो तब हमें एज अ टीचर, हमको ये पता चल गया अगर कि स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो वो हमें ध्यान में रखना है, तो ऑब्जर्वेशन करते रहना है। ऑब्जर्वेशन सबसे बेटर असेसमेंट का टूल है। हम बच्चों को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं। कोई बच्चा मान लो बहुत ही शरारती है, पूरे दिन आवाज करता रहता है, परेशान करता रहता है दूसरों को, अभी दूसरे दिन वो एकदम शांति से बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि कुछ गलत हुआ है या कुछ उसका प्रॉब्लम है या इश्यू है। तो ऑब्जर्वेशन से भी हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। इसमें उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, हमको सिर्फ देखना है कि हमारे अलग अलग जो क्लास में बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं और वो उनका प्रोग्रेस कितना है। अभी 40 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो आई थिंक उनको तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो तो मेनली बहुत सारे बच्चे आपको पर्सनली भी आई थिंक जानते होंगे, आपको उनका पर्सनल जो भी उनका बैकग्राउंड है, उनकी सिचुएशन है, ये भी पता होगा बहुत सारे टीचर्स। तो ऑब्जर्वेशन से भी हम असेस कर सकते हैं बच्चों को। सेकेंड, होमवर्क, हमने बात की ऑलरेडी कि होमवर्क इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ टूल ऑफ असेसमेंट। अभी होमवर्क में हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर बच्चे होमवर्क करके नहीं आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी हमको नहीं थोपना है। पहले क्या है, ऐसा होता था, आज तो मुझे पता नहीं हमारे टाइम पे, कि कुछ भी याद करवाने के लिए 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, ऐसे होमवर्क दिया जाता था। अभी तो ये सिस्टम चला गया है, यस, तो 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, मतलब आपको याद हो जाएगा इसलिए, पर ये रॉन्ग वे है। होमवर्क इज आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज्ड करें, इसको हम होमवर्क कह सकते हैं। तो होमवर्क भी बहुत अच्छा असेसमेंट टूल है। अगर बच्चे अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ है तो होमवर्क नहीं करके आएंगे तो मे बी हम उनसे पूछ भी सकते हैं कि अगर ये मैथ्स का सम तुमने नहीं किया है तो तुमको समझ में नहीं आया या और कोई प्रॉब्लम है, है ना। तो होमवर्क पनिशमेंट के लिए नहीं होना चाहिए या फिर रोटे लर्निंग के लिए नहीं होना चाहिए, उनको हम असेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और मे बी बच्चे नहीं करके आते हैं तो उसके बहुत सारे रीजन है, ये भी हमें याद रखना है। सेकेंड, पोर्टफोलियो या क्वेश्चनरी ऐसी फ्रेम कर सकते हैं टॉपिक रिलेटेड, छोटा सा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना हो, 1 to 10 क्वेश्चन के क्वेश्चनरी देके दे दे उनको 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा और सिर्फ उनको टिक करना होगा। और पोर्टफोलियो यानी कि बच्चे के जो भी वर्कशीट्स है, उनके जो भी ड्रॉइंग्स है, जो भी उनका काम है, उसको हम एक जगह पे अगर रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो भी हम बना सकते हैं अगर हमारे क्लासरूम में स्पेस और दूसरे कोई इश्यू नहीं है तो। तो हमको क्या है, बच्चे का प्रोग्रेस पता चलेगा कि पहले उसको हैंडराइटिंग ऐसे थे, थोड़े इम्प्रूव हो गए, और जिनकी हैंडराइटिंग खराब है उनको हम ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस ज्यादा रखो, तो धीमे धीमे आपकी हैंडराइटिंग थोड़े थोड़े इम्प्रूव होते जाएंगे, है ना। तो वो हमको उनका पूरा प्रोग्रेस पता चलता है। और सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होना चाहिए असेसमेंट हमारा, स्किल रिलेटेड भी होना चाहिए और उनका जो भी अलग उनमें स्ट्रेंथ है उसके रिलेटेड भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं अलग अलग टाइप के, साइंस रिलेटेड, एयर आपने सिखाया है तो एयर रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क आप दे दीजिए बच्चों को, या फिर लाइट का दे दीजिए। जैसे कल सर ने शेयर किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं, लाइट ही जरूरी होती है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट वर्क हम दे सकते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हमें भी पता चलेगा कि उनको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, है ना। तो ये सारे टूल्स है जो हम कर सकते हैं। ये रूब्रिक है, किसी ने सुना है रूब्रिक के बारे में? ये असेसमेंट का एक टूल है, अगर किसी ने सुना है तो। मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, आपका जो भी टाइम है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। रूब्रिक्स यानी कि इंडिविजुअल बच्चे का हमको बनाना होता है और वहां पे ऐसे हमको पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि ये एग्जांपल के लिए होमवर्क का रूब्रिक है, पर ऐसा कोई भी रूब्रिक हम बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक का भी बना सकते हैं। अभी इसमें राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो 1 में क्या है, होमवर्क इज डिसऑर्डरली विथ मैनी स्मजेस और टीयर्स, मतलब होमवर्क उसका ऑर्डर में नहीं है,
ऐसा लिखा हुआ है ना। फिर सेकंड में क्या है, होमवर्क इज इन अ पैकेट विद सेवरल स्मजेस और टियर, यानी कि अभी उसका थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक का या कोई भी स्किल का हम बच्चों का इंडिविजुअल रूब्रिक बना सकते हैं, पर ये इंडिविजुअल है तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना हम बच्चों का बना सकते हैं, तो उस हिसाब से हम इंडिविजुअली ऐसा शीट बना सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअली बच्चे का टॉपिक वाइज प्रोग्रेस लिखा हुआ। जैसे कि राइटिंग का है तो पहले चलो राइटिंग में हैंड राइटिंग बहुत ही क्लियर नहीं थे, अभी सेकेंड में थोड़ा क्लियर हो गए है, थर्ड में थोड़ा और अच्छा हो गया है, अभी वो परफेक्ट एकदम अच्छे से लिख रहा है। तो ऐसे सारा उनका प्रोग्रेस हम नोट डाउन कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट फिक्स नहीं है, आप कोई भी फॉर्मेट मेंटेन कर सकते हैं। आपको सिंपल फॉर्मेट में बनाना है वर्ड फाइल में या फिर A4 साइज पेपर में, तो वो भी हम कर सकते हैं, पर ये इंडिविजुअल स्टूडेंट का हमको बनाना पड़ेगा अगर हम असेस कर रहे हैं तो, है ना। तो डिपेंड ऑन टाइम आप ये कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स के लिए हम कर सकते हैं जहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा वहां पे। उसमें हम चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि हमको सिर्फ टिक करना है, चलो चलो ये बराबर है, ये बराबर है इस बच्चे के, तो ऐसे चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। जो भी हमारा ऑनलाइन का इतने प्रॉब्लम्स है वो आ गए अभी, असेसमेंट ऑनलाइन लर्निंग में कैसे करें, हम वर्चुअल लर्निंग में कैसे करें, तो डिफिकल्टी आती है सबको आई थिंक अभी। आप yes, क्या कर... मैम यस आई थिंक स्टार्टिंग में अनिल से किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि एमसीक्यू और टेस्ट के अलावा हम बच्चों को क्या करा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। तो उसमें थोड़े यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रेटेजीज, ये में भी अगर हम कर पाए तो, कि डिफरेंट चैप्टर के लिए डिफरेंट असेसमेंट करें। अगर किसी का हम टेस्ट ले रहे हैं तो दूसरे चैप्टर के लिए हम टेस्ट ना ले, उनके लिए कोई क्विज बना दे या फिर उनके लिए कोई असाइनमेंट दे दे। जैसे आपको कविता मैम ने दिए थे छोटे छोटे असाइनमेंट, तो ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट हम बना दे और उनको दे दे। और ऐसा भी नहीं है कि उसका टाइम फिक्स कर दे हम, ये टाइम फ्रेम है इसमें ही आपको करना है, कुछ भी हो इतना टाइम में ही करना है, ऐसा नहीं। हम बोल सकते हैं उनको कि आप एक ग्रुप बना दे, आप 5 स्टूडेंट है मान लो, उनमें उनको बोलो कि तुमको 2 दिन में कंप्लीट करके देना है, किसी को 3 दिन में कंप्लीट करके देना है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग हम रख पाए तो और ज्यादा बेटर होगा। अगर हम बोलेंगे कि आपको कल ही देना है तो फिर शायद बच्चे करेंगे नहीं करेंगे, या फिर नहीं करके आए तो फिर हमको और ज्यादा वो स्ट्रेस आ जाता है कि ये बच्चे तो कर ही नहीं रहे हैं। और ऑनलाइन में तो क्या है, हम फेस टू फेस है नहीं, तो हम और भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, हमारा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ये कर सकते हैं हम कि असाइनमेंट उनको छोटे छोटे ब्रेक करके दे सकते हैं। केस स्टडी आप दे दीजिए, कोई साइंस का या टॉपिक है अच्छे से, या फिर रिलेटेड टू लैंग्वेज कोई टॉपिक है उसका केस स्टडी हम दे सकते हैं। आपको ये चलो ये ऐसा हुआ था, ऐसे 4 लाइन का केस स्टडी हम कोई बना दे। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है केस स्टडीज, तो ऐसा कोई केस स्टडी आप दे दीजिए, चलो ऐसा आपके सामने सिनेरियो है अभी आप क्या करोगे। तो ये भी हमारा असेसमेंट ही बच्चों का हो रहा है, उनका जो भी दिमाग में चल रहा है वो हमको क्लियर हो रहा है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, 5 का ग्रुप बना दो, उसमें हम दे देंगे अभी उसको कम 3 दिन दो तक। पर अडेप्टिव असेसमेंट होना चाहिए, मतलब हमारा चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी एक ही चीज से मे भी बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता है, तो हमको चेंज करते रहना है जो भी हमारा असेसमेंट का टूल है या हमारा असेसमेंट करने का स्टाइल है वो भी। कहीं पे हमने एक सरप्राइज टेस्ट रख दिया चलो, पर सरप्राइज टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर आ जाए बच्चों पे, उसमें थोड़ा फन और थोड़ा सिंपल वे में हम करें और फिर दूसरे बच्चों के सामने उसको अप्रिशिएट करें। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे नहीं करते, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जिससे करके आए हैं, जो लोग करके आए हैं उनका प्रोजेक्ट शो करें, उनका असाइनमेंट शो करें और बोले दूसरे बच्चों से कि ये इन स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो उनको अप्रिशिएशन मिलेगा सबके सामने, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि टीचर तो इनका अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे कंपैरिजन बहुत करते हैं कि
इसका इसका तारीफ हुआ, इसका ये हुआ, इसका वो हुआ, तो ये भी एक हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कहीं पे उनको अप्रिशिएट कर दे सबके सामने, तो बाकी बच्चे है मे बी उसको ऐसा लगे कि मुझे भी कंप्लीट करना चाहिए, मुझे भी टीचर्स को फटाफट सबमिट करना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस मैम, होता है डेफिनेटली, है ना? आई आल्सो ट्राई इट, क्योंकि या मैम मैंने भी ट्राई, दूसरे को देख के वो मैं भी करेंगे, उनको वो ज्यादा वो होता है कि अभी मैं तो नहीं कर रहा, इस पे कौन करेगा, टीचर कहाँ पूछने वाले हैं, ऐसा होता है कभी कभी, पर हम जब उनको रियलाइज कराएंगे कुछ चीज तो मे भी वो उसको डेफिनेटली करेंगे, तो ऐसा हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस का है उसपे भी हम ऐसे असेसमेंट टूल्स बहुत सारे यूज कर सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे ऐसे क्विज बनते हैं, तो वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर डालने होते हैं, और वो थोड़े टाइम में विद इन 10 मिनट आप कर सकते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है जो हमारा जनरली इश्यू होता है। सेल्फ असेसमेंट की बात की है हमने, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कशन, कोई रिटन टेस्ट नहीं, आपको सिर्फ डिस्कस करना है, और मे बी ग्रुप में डिस्कशन दे दीजिए तो वो भी यहाँ पे चलेगा। अभी टीचर्स को कुछ नहीं बोलना है, वो लोग बोल ले, बाद में हम उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास अगर जूम है तो ब्रेकआउट रूम्स आप क्रिएट कर सकते हैं, पर उसके लिए जूम का प्रीमियम वर्जन चाहिए, तो वो कर सकते हैं, हम ग्रुप वाइज दे सकते हैं, या फिर किसी एक ग्रुप को एक टाइम दे दीजिए आप कि आपको 10 मिनट जल्दी आना है, और बाकी के स्टूडेंट को आप 10 मिनट बाद बुलाए, तो ऐसे भी हम थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइमिंग या ऐसा कुछ कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, ऑनलाइन में हमारे हाथ में ये है कि हम जिस बच्चे का मान लो शरारत कर रहे हैं, कुछ बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम उनको म्यूट भी कर सकते हैं, है ना, तो ये भी थोड़ा हमारे हाथ में है, तो वो भी कर सकते हैं, कहीं पे साउंड म्यूट करना है, वीडियो ऑन करना है, बच्चों को ऐसा कोई एक्टिविटी करवाना है तो वो कर सकते हैं, तो उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। कोई टॉपिक बहुत ही टेक्निकल है तो उसके लिए हम सेल्फ चेक क्विज भी यूज कर सकते हैं, और असाइनमेंट का मैंने आगे ऑलरेडी बोल दिया है कि असाइनमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके उनको वीक में 2 बार दे सकते हैं, ताकि उनको टास्क भी ज्यादा नहीं लगे, और ग्रुप में दिया है तो ग्रुप पे दूसरे बच्चों से बातचीत करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि फ्रेंड्स से बातचीत हो रही है, और वो उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, है ना, ऐसा हम थोड़ा कर सकते हैं ये सारी चीजें, रादर देन ओनली वीकली टेस्ट या जो भी हम लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें ध्यान में रखने हैं, सॉरी मैंने आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया आज, हमको ध्यान में रखना है कि हमारा असेसमेंट नॉन जजमेंटल होना चाहिए, बच्चों को हमको जज नहीं करना है, हम सिर्फ उनका अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा, और जो भी हमारा लेसन प्लान बना है उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये ठीक है या नहीं ये हमें याद रखना होगा। देन स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए असेसमेंट, जो ज्यादातर हमारा होता है, इंडियन एजुकेशन चैलेंजेस की कल बात हुई थी, पर मेनली हमने टीचर्स के चैलेंजेस पे बात की थी, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम सिर्फ एग्जाम्स और एग्जाम्स के बेस पे बच्चों को असेस करते हैं, जबकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है कई बार, हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है कि किसी ने रिजल्ट आने से, बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले सुसाइड कर लिया और फिर पास हो गए, या फिर रिजल्ट खराब आया तो सुसाइड कर लिया, तो ये प्रेशर है उनके ऊपर कि उनको अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वो बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल ना हो किसी भी हिसाब से, उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और ये जरूरी भी है फॉर बेटर एजुकेशन सिस्टम। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, भले ही वो कितने नेगेटिव हो हमको बात करनी ही पड़ेगी पेरेंट्स से, डेफिनेटली बहुत सारे कंसर्न्स आपके साइड से आए हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर हम जहाँ पे अपना एफर्ट डाल सकते हैं बच्चों के लिए वहां पे हमको डालना है, और अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है फिर भी हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि पेरेंट्स को हमको डेफिनेटली इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर हमारा खुद के, आप सभी आई थिंक पेरेंट्स होंगे बहुत सारे इसमें से,
तो आपको भी आपके बच्चों का बहुत कंसर्न होगा। तो डेफिनेटली पेरेंट्स का थोड़ा ऐसा ही होता है, वो ओवर कंसर्न या ओवर पैम्परिंग होता है कभी कभी, तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेरेंट्स को हमको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, उनको इन्फॉर्म करते रहना है जो भी बच्चों का प्रोग्रेस है। हाँ, आप गुड पुअर ऐसा करते हैं नो प्रॉब्लम, पर उसको हम पॉजिटिव वे में पेरेंट को बताएं। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा तो बहुत ही डल है, पर उनको हम और कैसे तरीके से बता सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट करें उनसे कि उनको थोड़ा पता भी चल जाए और सही भी फील हो, तो ऐसे हमें बात करना पड़ेगा। एवरीडे एक्सपीरियंसेस यूज करने हैं असेसमेंट में, जो भी हम बच्चों को जानते हैं उनके बारे में हमको पता होता है उस हिसाब से हमको उनको असेस करना चाहिए। अगर कम बोल रहे हैं तो उनको ओरल टेस्ट नहीं देंगे, उनको और कुछ देंगे करने के लिए, तो ऐसे हमको ध्यान में रखना है। फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन द प्रोडक्ट, मार्क के अलावा हमारा प्रोसेस जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, मार्क्स पे नहीं। जरूरी है मार्क्स एग्जाम में पास होने के लिए, डेफिनेटली हर कहीं पे स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम टेस्ट ले रहे हैं अपना खुद का बच्चों का अंडरस्टैंडिंग का, तो वहां पे हमारा फोकस मार्क्स पे कम और जो भी पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए। एंड डोंट लेबल एनी स्टूडेंट, ये मेरा सजेशन है। आप जहाँ पे भी इम्प्रूव कर सके, जो भी आपके वर्ड्स है पॉजिटिव वे में हम बोल सके, तो ये ज्यादा जरूरी है।